तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रही हैं फार्मूला, और फार्मूला में डिस्कस करेंगे हम फाइनेंशियल फार्मूला। तो ये फाइनेंशियल फार्मूला में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ पार्ट को आपके साथ कवर करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें कवर करेंगे जो कि मेनली इम्पोर्टेंट है और हमें हमारे ऑफिशियल इन्वायरमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फाइनेंस फॉर्मूले को पूरा समझने के लिए आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, और मोस्ट लोगों के पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता है। इसलिए हम जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोस्टली यूज होने वाले फाइनेंशियल फॉर्मूले। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है, आप लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्होंने सिस्टम से ज्वाइन किया है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लोन लेता हूँ, एक प्रिंसिपल हमारे पास 50,000 है, और रेट जो है मान लीजिए हमारा 15% का इंटरेस्ट रेट है, और टाइम जो है हमारा वो 3 सालों के लिए है। और मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें इसकी ईएमआई निकालनी है, राइट? तो कैसे निकालें? तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा पीएमटी का, पीएमटी फॉर्मूला। हम रेट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमें क्या है मंथली कैलकुलेशन करना है, इसलिए हम इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, टाइम को भी मंथ में कन्वर्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे हम अपना प्रिंसिपल सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। तो ये देखिए 1773 रुपये का ये ईएमआई बनता है, लेकिन नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी फाइनेंशियल फॉर्मूले का रिजल्ट है वो आपको नेगेटिव में ही देगा, लेकिन मुझे प्रूफ करना है कि सही है गलत है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 50,000 हुआ और हमने इक्वल किया 15% डिवाइड बाई 12, और फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसका इंटरेस्ट आ गया, महीने के अंत में हमारा ये जुड़ गया, और 1700 कितना है 1733.27 जो हमारा इंटरेस्ट रेट गया, और मैंने इसमें से इसको घटा दिया, और इसी चीज़ को हम 36 महीने तक, 3 साल है ना, इसलिए 36 महीने तक इसको हम करते हैं जाए। 36वें महीने आप देखेंगे कि लोन जो है, नहीं नहीं छोटी सी गलती हुई है, सॉरी इसमें जो माइनस होगा इसमें से नहीं, इसमें से, और इसको नीचे ट्रैक। अब यहाँ देखिए 36वें महीने 17-11 था और 17-33 हुआ और खत्म हो गया। इस तरह से इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है या गड़बड़। इसमें आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ ईएमआई निकाल लिया। अब मुझे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मतलब कि मैं मान लीजिए कि 50,000 रुपये की एफडी करना चाहता हूँ,
पचास रुपये की 50 तरह की एफडी करना चाहता हूँ और रेट जो मिल रहा है मुझे 6% का मिल रहा है और टाइम में 5 सालों का है, तो आफ्टर 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा ये कैलकुलेट करना। तो इसके लिए इसको करेंगे एफडी फ्यूचर वैल्यू, हम रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 12 से और पीएमटी नहीं है यहाँ पे पीवी है हमारा, तो ये हमारा पीवी हो जाएगा, तो 67,000 होगा। तो 50,000 रुपये हमने इकट्ठा जमा कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ईएमआई है, मतलब कि मैं 2,000 का महीना जमा करना चाहता हूँ, रेट हमारा मान लीजिए 6% है और टाइम हमारा मान लीजिए 3 सालों का है, जो टाइम हमारा है वो हमारा 3 सालों का है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू का है, फ्यूचर वैल्यू हमने रेट सेलेक्ट यहाँ पे रेट को डिवाइड किए 12 से और टाइम को हमने मल्टीप्लाई किया अगेन 12 से और पीएमटी यहाँ पे देखिए हमने पीवी सेलेक्ट नहीं किया, हमने सेलेक्ट किया पीएमटी। पीएमटी सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 786721 का इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ आप लोन ले रहे हैं तो कितनी ईएमआई देंगे और यहाँ आप कितनी ईएमआई दे रहे हैं तो कितना लोन देंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे 65,000 रुपये चाहिए, रेट जो है मान लीजिए 10% का है और जो टाइम है वो 5 साल का है, तो मैं कितनी ईएमआई जमा करूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ जो ईएमआई था वो क्या था कि मैं 50,000 हमें मिल चुके हैं लोन के तौर पे, बट यहाँ क्या है कि जो हमारा जो अमाउंट है हमारा वो अमाउंट हमें मिलेगा, तो इक्वल हमने यहाँ पे लिखा पीएमटी, हमने रेट को सिलेक्ट किया और इसको डिवाइड कर दिया 12 से, टाइम को लिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 और ये हमारा 65,000 पीवी नहीं होगा, पीवी जीरो कर दीजिए, फ्यूचर वैल्यू जो हमारा होगा ये 65,000 होगा। तो रिजल्ट आपके सामने है कि अगर आप 839 रुपये जमा करते हैं तो 65,000 रुपये मिलेंगे 5 सालों में अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है तो, समझे। अगर 6% का इंटरेस्ट रेट है तो आपको 931 जमा करना पड़ेगा, 5% का है तो आपको 963। ओके, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं अगर मान लीजिए मैं ईएमआई नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूँ कितना मैं एफडी कर दूँ ताकि मुझे फ्यूचर में 65,000 मिले इस इंटरेस्ट रेट पे, उसके लिए हमें पीवी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रखा है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल प्रेजेंट वैल्यू, हमने रेट लिया, रेट को डिवाइड किया 12 से, टाइम लिया, टाइम को मल्टीप्लाई किया 12 से, पीएमटी नहीं है, एफ बी फ्यूचर वैल्यू है और हमने यहाँ निकाल दिया कि 48,000। तो ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट इसमें? अलगे जी, अंकित जी, मयूरी जी, कोई डाउट इसमें? नवरतन जी, कोई डाउट? चलिए, अब मान लीजिए कि मुझे अगर इंटरेस्ट रेट निकालना तो मेरे पास एक रेट का फॉर्मूला होता है, रेट रेट में टाइम देना होता है मंथली और पीएमटी नहीं है, पीवी है हमारा, तो पीवी हमारा मान लीजिए है यहाँ पे और एफबी हमारा है, ध्यान रखिएगा इसको एक बार एक नेगेटिव में वैल्यू देना पड़ता है, तो जीरो आया और इस जीरो जो आया है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट रेट निकल जाए। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास टाइम है, कि टाइम मतलब टाइम के लिए है एन पी ई आर, रेट हमारा है, रेट को डिवाइड किया 12 से, उसके बाद पी एम टी नहीं है हमारे पास, पी वी है, पी वी हो गया, ये हमारा एक माइनस होना चाहिए और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एफ बी को, तो 60 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से तो आपको 5 ईयर दिखा देगा। अब
बट ये तो बोला, ये तो चलिए मैं समझ गया, हमने अभी आपके सामने एक दिया, ये पीएमपी फॉर्मूला ही मान लीजिए, हमने पीएमपी फॉर्मूला दिया, इसकी टेबल हमने यहाँ पे दी हुई है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने अमाउंट है हर महीने का, आपका इंटरेस्ट है। तो मान लीजिए कि किसी बंदे ने, चेतना जी भी आवाज आपको आ रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने 50,000 15% पे 3 सालों के लिए किसी ने लोन लिया तो 1700 जमा करेगा, लेकिन 36 महीना जमा करना है, वो 20वें महीने आता है और बोलता है कि मैंने 50,000 रुपये आपसे लिए थे और हमने 20 इंस्टॉलमेंट मतलब कि 34,000 आपको दे चुके हैं, तो क्या मैं आपको 16,000 दूँ? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हर महीने ईएमआई 1733 रुपये जमा कर रहा है उसमें उसका प्रिंसिपल भी है, पहले महीने प्रिंसिपल कुछ और है और इंटरेस्ट है, पहले महीने 625 रुपये इंटरेस्ट है, दूसरे महीने 611 है, 597 है, 582 है, तो हर महीने डिफरेंट ईएमआई है, इंटरेस्ट है, तो उसने इंटरेस्ट जमा किया है वो तो नहीं दे रहा होगा ना, तो कितना इंटरेस्ट जमा किया है, कितना प्रिंसिपल जमा किया है, उसका टेबल आप यहाँ इस तरह से बना सकते हैं कि मंथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट ईएमआई, तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से। तो यहाँ हम प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं पीपीएमटी का, पीपीएमटी हमने रेट को लिया, डिवाइड कर दिया 12 से, किस महीने का प्रिंसिपल निकालना है तो पहले महीने का, फिर टाइम क्या है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया, फिर प्रिंसिपल क्या है 50,000, ये आपको 1100 निकल गया। लेकिन मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है तो हमको इसको करना पड़ेगा फ्रीज, हमने इसको फ्रीज किया और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर, उसी तरह से इंटरेस्ट के लिए आईपीएमटी का फॉर्मूला होगा। आईपीएमटी हमने यहाँ पे लिया सेम डिवाइड बाय 12, मंथ हमने ये लिया, देन टाइम मल्टीप्लाई बाय अगेन 12 और यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ले लिया। अब नीचे ड्रैग करने से पहले हमें क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा, F4 से हम इसको फ्रीज कर देते हैं, फिर इसको नीचे की तरफ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ईएमआई है। तो अब यहां ऊपर आते हैं कि मुझे अभी तो हर महीने का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, मुझे टोटल निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पता करना है कि पांचवें महीने इसने कितना प्रिंसिपल दिया और कितना रेट दिया, पांच महीने तक मतलब कि इन सबों का टोटल। अब मैं ऐसे एक एक लिस्ट में नहीं निकालना चाहता, मैं एक्सेल पे निकालना चाहता हूँ, क्योंकि एक एक करके निकालेंगे, मान लीजिए उसका अगर 36 ईएमआई है, मान लीजिए उसका अगर 200 ईएमआई है, तो इतना बड़ा कॉलम लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। मैं ये जो कैलकुलेशन है इसको एक सेल पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला देंगे सम का, यहाँ एरे यूज होगा, और फिर हमने यहाँ पे लगाएंगे पीपीएमटी का फॉर्मूला, रेट को लेते हैं डिवाइड बाय 12 महीना, तो महीना में मैं यहाँ पे 1,2,3,4,5 एक साथ लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम अलग अलग लिख रहे हैं, अलग अलग हम लिख रहे हैं, कॉमा, टाइम हमने इसको सेलेक्ट किया मल्टीप्लाई में 12 पर प्रिंसिपल हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और हमने इसको एंड जमा दिया, तो ये देखिए 5,681 आ रहा है। अभी फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, फॉर्मूला वार में जाइए, एवलेट फॉर्मूला में यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इसने क्या किया, निकाला और ये जो 1,2,3,5 कॉमा में था वो इस तरह से हमारा टूट के ये जो यहाँ अलग अलग कॉलम में थे सबको अलग अलग मिले, जिससे इसका रिजल्ट निकल के आएगा। बट यहाँ पे 5 था तो हमने लिख दिया, लेकिन मान लीजिए कि 20 है, तो 20 को यहाँ पे मुझे 20 बार लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है रो का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो रो 1 से लेके 20 और
एक से लेकर 20 जो हमने एंट्री किया, तो रो क्या कर रहा है ये चीज़ को देखिए, तो रो भी वही कर रहा है जो कि हमने जो हमने कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 कॉमा करके लिखा था, रो ने उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में, इसलिए हमने रो लगाते हैं। बट अभी भी ये 20 से लिंक नहीं है, तो यहाँ पे कॉनकेट कर देंगे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसको ले लेंगे 20। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये टेक्स्ट में है, क्योंकि एंटर मारेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रो फॉर्मूले को रेफरेंस चाहिए ना कि टेक्स्ट, तो इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू दे रहे हैं। ये एरर फॉर्मूला है, आगे के जो फॉर्मूले के चैप्टर हैं आपको कुछ इसी तरह से पढ़ाए जाएंगे। मैं 5 करूँ, 10 करूँ, 20 करूँ, 25 करूँ, हमने एक फॉर्मूले को ऑटोमेट कर दिया। तो अंकित जी, समझ में आया आपको? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर, फाइनेंस क्लियर है। चलिए, इसमें और इसी तरह के बहुत सारे फॉर्मूले फाइनेंस में आपके हैं, जैसे कि आपका डीडी डिफ्लेशन निकालता है, और डिफ्लेशन निकालने के बहुत सारे मेथड है, एबी डिफ्लेशन निकालता है। तो आपका जो है अब इसमें जो बाकी जो फॉर्मूला है SYD, ये भी आपका डिफ्लेशन निकालता है, लेकिन सबका अलग अलग मेथड है। तो बाकी फॉर्मूले जो है इसके लिए फाइनेंस नॉलेज होना चाहिए, और ये फाइनेंस नॉलेज मुझे भी ज़्यादा नहीं है। बट आप लोग स्कैन कीजिएगा, आपको अगर लगा कि कोई फॉर्मूला इसमें सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हर फॉर्मूले की अपनी एक बेसिक मैथमेटिक्स है। जब तक उस मैथमेटिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आगे उस फॉर्मूले को नहीं समझ पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज फॉर्मूले को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कल से ट्रिक्स फॉर्मूले के ऊपर, एडवांस फॉर्मूले के ऊपर।